अली अंदर आ जाओ यार, तुम्हें कुछ नहीं कहता। कैसर भाई को कुछ नहीं कह रहा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तुमने गांव जाना है ना, तो जाते जाते से मिल के चले जाओ। अंदर आ जाओ। नहीं नहीं कुछ ही कहता यार वो। पता है उस दिन बहुत ज्यादा मेहमान इधर बैठे थे, उन सबको देखकर ये गुस्सा कर गया था। आ जाओ, जाते जाते दोस्ती हो जाएगी ना, वापसी पे तुम्हें भूल ना जाए। करीब आओ, हाथ लगाओ इसे थोड़ा सा। ये कुछ बोला है? पहले भी कुछ नहीं बोल रहा था, अभी भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा यार। वो वैसे ही थोड़ा सा शरारते कर रहा था। चलो मिल लिया ना, अभी मुझे भी मिलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अली आज जा रहे हैं गाँव, दो दिन से ज्यादा रुके ना, मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। तीन छीन नहीं है, सिर्फ दो दिन है, ठीक है ना? अभी चार हो गए हैं तीन से। मैं बताता हूँ तुम्हारे घर वालों को, दो दिन से ज्यादा रुके ना तो मैं वापस तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है ना? अब मैं तुम्हें छोड़ गया। अभी टाइम हो चुका है जी हमारे बैल के नहाने का। हमने इसे इतना ज्यादा शैम्पू लगाया लेकिन शैम्पू सारा इसके बालों में छुप जाता है। अभी जो भी मैं पानी लगाऊंगा ना, फिर सारा आपको नजर आएगा। ये देखिए नीचे कैसे को जा रहा है। इधर भी ब्रश लगाना है, पाँव पे पाँव पे। हाँ, ये अच्छे से साफ करने हैं। अब हम इसे रोजाना नहलाया करेंगे ताकि ये गंदा ना हो। बाहर तक बहुत ज्यादा धूप है, अभी तो दिन हो चुका है ना। कल से हम इसे सुबह सुबह नहलाएंगे ताकि फिर ये सारा दिन फ्रेश रहे। बैल को अच्छे से नहलाने के बाद हमने पंखा भी लगा दिया है, और आपको यहाँ पर बेबो नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि बेबो बहुत ज़्यादा अकेली होगी और वो बहुत ज़्यादा शोर भी मचाती है। तो बेबो को मैं अजवा के पास छोड़ आया हूँ। आज बस हमने बेबो के लिए किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ाम करना है। या तो हम कोई बकरी उसके लिए लेकर आएंगे, या फिर वैसे भी हमें कुर्बानी के लिए बकरा तो चाहिए ही, तो हमने बकरा भी लाना है। तो हो सकता है कि आज हम बेबो के लिए बकरा ले आएँ, और अगर बकरा नहीं मिलता तो फिर बकरी हम उसके लिए लाजमी ले आएँगे। हमारी पीकॉक ने 6 से ज़्यादा अंडे ही नहीं दिए। 6 अंडे देने के बाद उन्होंने और अंडे देना बंद कर दिए। पता नहीं क्यों नहीं अंडे दिए जा रहे। अभी भी मुझे याद है मैंने फ्रिज से निकाले हैं, और इन अंडों को फिलहाल हम इधर ऊपर रख देते हैं। तकरीबन 5 से 6 घंटों के बाद ना हम इंक्यूबेटर को चला देंगे। रात से चल रहा था, अभी मैंने आकर बंद कर दिया, फ़ायदा नहीं है। जब अंडे रखेंगे तब हम इसे दोबारा से चला देंगे। हमारे घर में सिर्फ सब्ज़ी लगाने का शौक़ होता है, लेकिन जब सब्ज़ी लग जाती है तब हम बनाते ही नहीं हैं। अभी तीसरी दफ़ा बैंगन लग रही है, पहले भी 2 दफ़ा बैंगन और ये मिर्चें वगैरह तोड़कर हमने ऐसे ही कभी मरी भाई ले जाते हैं, कभी कोई ले जाता दे दिए। ये देखें अंगूर कितना नीचे आ गया, एक टहनी शायद ऊपर से नीचे को गिर गई है ना। तो मैं लोरी को साथ ले आया हूँ। लोरी खाओ खाओ, लोरी को पता ही नहीं अंगूर है, बाकी सारे परिंदे खा लेते हैं। लोरी खाओ ना, डर रही है अंगूर से, लोरी डर रही है ना? नहीं इसे नहीं खाना। अब्बास भाई पाइप को रख दें जल्दी से बहुत गर्म है। ये मुझे दे रहे हैं, अभी मैं लगाता हूँ पानी। हमारा जो घास है ना, ये ज़्यादा तेज़ धूप होने की वजह से ना जलता जा रहा है। ये देखें किसी किसी जगह से ना ये जलना शुरू हो गया। तो अब हम इसे रोज़ाना ज़्यादा सा पानी लगाएंगे, फिर ये वापस जिस तरह ये है ना फुल ग्रीन, इस तरह ग्रीन हो जाएगा। नहीं तो फिर अजीब सा लगता है। बीच में कुछ पैचेज ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं, और कुछ जगह पर ग्रीन होता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का। ये देखें यहाँ पर जैसे हो गया, बाकी सारा ग्रीन है, लेकिन इस जगह पर ना, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा सा पानी लगाऊंगा, फिर 1-2 दिन तक ना ये वाला भी इस तरह ग्रीन हो जाएगा। बस भाई इधर लोरी थी, मैंने इधर रखी थी। लोरी किधर गई है? लोर वो ये रही। इधर ओए, तुम कहाँ पहुँच गई हो? इधर 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 मेरे साथ साथ रहना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, आई समझ? ज़्यादा दूर नहीं जाना, इधर नीचे। हाँ जी, मैं साथ साथ पानी लगाता हूँ, इसने फिर भाग जाना है। यहाँ से जंपे लगाती लगाती ना किसी न किसी पौधे के अंदर चली जाएगी। मास्टर केज के अंदर मैं 2 दफ़ा घास डाल चुका हूँ, और अभी मैं 3री दफ़ा इतना सा घास मास्टर केज के अंदर डालने लगा हूँ। तकरीबन जितना भी मैं घास डालता हूँ ना, डब उसकी नेस्टिंग कर लेती हैं। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, नॉर्मल तो यहाँ हर जगह पर नेस्टिंग की जा चुकी है। देखें नेस्टिंग हुई, 2 अंडे भी आ चुके हैं, कॉर्नर वाले में भी नेस्टिंग हो चुकी है, यहाँ सामने भी नेस्टिंग, इधर भी आपको नेस्टिंग नज़र आ रही होगी, इनके अंदर भी, और इस मटकी के अंदर भी। अब पता नहीं किस डब ने यहाँ पर नेस्टिंग कर ली है। अंडे वगैरह हैं यहाँ से तो ठीक से मुझे नज़र नहीं आएगा, मटकी उतार के देखना पड़ेगा ये नेस्टिंग की किसने है। यहाँ पर भी एक अंडा आ चुका है माशाल्लाह से, लेकिन यहाँ पर कौन सी डब बैठती होगी? ये तो बहुत छोटी सी जगह है। ये मुझे डायमंड डब का अंडा लग रहा है, बिल्कुल छोटा सा है, और ये है भी ख़राब अंडा है। यहीं से नज़र आ रहा है, लेकिन फिर हम इसको वापस रख देते हैं। क्या पता जो भी डब है ना इसके अंदर पर भी पड़े हुए हैं।
फिंच का तो काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर फिंचेस तो है नहीं, तो वापस इसको लगा देते हैं। जिस डब ने भी एक अंडा दिया ना, वो दूसरा भी देकर यहाँ पर अपना घर मुकम्मल कर लेगी। इधर इधर अंगूर खाना है, मैं जल्दी से इनके लिए अंगूर लाता हूँ। आ जाओ मजनू, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर इतना ज़्यादा चलाक है, ये इसका बॉर्डर है, यहाँ से आगे नहीं आएगा। आओ आ जाओ, एक दफ़ा तुम आओ तो सही। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अब मैं इसे फार्म हाउस की तरफ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं इसे छोड़ दूँगा। थोड़ी सी देर ये घूमेगा, जब इसे पता चलेगा कि लैला इसके साथ नहीं है, इसे लैला की याद आएगी ना, एकदम से भागता हुआ उस सामने वाले दरवाजे के पास जाके खड़ा हो जाएगा। चलो चलो अपनी जगह पर जहाँ पर रात को इसका चारा डाल दिया है ना कैसर भाई ने, तो अभी ये जा रहा है जी चारा खाने के लिए। शाम का वक्त हो गया है, बेबो पहले से ही चारा खा रही है लेकिन साथ साथ ना शोर भी मचा रही है। इसको अभी अभी घर लाया है, मैंने सोचा इसे चारा खिला के फिर वापस हम घुमाने के लिए ले जाएंगे, क्योंकि आज हमने इसको भी लेके जाना है और आज बेबो के लिए हमने या तो बकरी लानी है या फिर बकरा लाना है। क्या लाएँ बेबो के लिए? बकरा लाएँ। बकरा लेके आए, चलो चलते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है ना? ये अच्छे से खा लेना, इसको भी घुमाने लेके जाएंगे। तो देखिए कैसे खा रहा है, इसे भूख लगी हुई है। इसकी अब टाइमिंग का हमें पता चल चुका है, यानी कि अगर हम इसे सुबह 7 बजे खाना खिलाते हैं, फिर शाम को 7 बजे, सुबह 5 या 6 बजे, इसी तरीके से सिर्फ 12 घंटे के फर्क से ना हमने इसे खाना खिलाना है, ताकि इसकी सेहत जो है ना वो अच्छी रहे। तो हम अभी जा रहे हैं जी बकरा, या फिर बकरा ही लेना है ना, बकरा ही लेके आते हैं। छोड़ें बकरी को, बकरी तो हमारी अजवा है, इतनी ज़्यादा बकरियाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी 2 बकरियाँ हैं। अजवा को भी आजकल में हम घर ले आएंगे, और अभी हम जा रहे हैं बकरा लेने के लिए। वैसे तो मैंने और अली ने पसंद किए हुए थे, अगर वो बिक ना किए हुए तो फिर हम वही लेंगे क्योंकि अली की पसंद थी, और अगर बिक गए तो फिर इसकी पसंद का, ठीक है? आज खुश हो जाओ, तुम्हारी पसंद का, इसकी पसंद का बकरा लेंगे। अभी कैसर भाई को मैंने बोला था, कैसर भाई ना वहाँ सामने बैल को भी ले आएंगे या फिर इस तरफ बैल को ले आएंगे, और साथ में बेबो को भी ले आएंगे। वापसी पे हम कैसर भाई को यहीं पर मिलेंगे। आज हम इधर आए हैं ना, तो बीच में से 5 बकरे ही काम है, मतलब यहाँ से 5 बकरे बिक चुके हैं। वैसे भाई बता रहे हैं कि 2-3 बिके हुए हैं, ये भी चले जाएंगे, और हमने पसंद किया था। जात कौन सा पसंद है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। अली को पता है कौन सा पसंद था? कौन सा? ये वाला, और ये वाला भी, यही वाला। मानी तुम्हें कौन सा पसंद है? किधर है इसे पकड़ना जरा, चलो अब इसके ऊपर बैठो। तुम्हारी जितना है टोटल सिद्धू, हंसना नहीं है ज़्यादा यहाँ पर। यार ये जो गाय है ना, आप सब समझ रहे थे कि शायद ये गाय कुर्बानी के लिए होंगी, लेकिन ये गाय भाई ने खुद रखी हुई है दूध के लिए, इनमें से कोई भी सेल के लिए नहीं है, एक गाय भी नहीं है। बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े थे ना, सारे दोस्त कह रहे थे कि आप गाय जिबा करेंगे, तो ये वाली गाय नहीं है, ये गाय तो उन्होंने रखी हुई है, ये सारे जाने वाले हैं कुर्बानी के लिए। तो कौन सा वाला? ये वाला। जो पसंद है उसे पकड़ के लाओ, ठीक है? ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बेबो को तंग भी नहीं करेगा, ठीक है ना? ये ठीक है, आ जाओ। अब मुझे नहीं पता भाई ने कौन सा पसंद किया था, लेकिन ले जाएंगे। अगर भाई को पसंद नहीं आया ना तो फिर चेंज कर लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में भाई को ये पसंद आएगा, तो यही हम लेके जाएंगे। ये जा ही नहीं रहा, बकरों से अलग हो गया ना, अकेला हो गया, अब ये नहीं जा रहा। लेके तो जाना पड़ेगा, इसे पत्तों का लालच देते हैं। इधर आओ, ये लो पत्ते खिलाते हैं। गारे गारे गारे, ये आराम आराम से, शाबाश, आ जाओ। ओ आ रहे आ रहे, 4 बंदे हम इसे लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जाने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बकरों से बिछड़ गया ना, कोई बात नहीं, हमारी बेबो के पास जाएगा ना, एक तो हमारी बेबो भी खुश हो जाएगी और फिर ये भी खुशी खुशी खाना शुरू कर देगा। आराम से बेचारा थक गया, इसे घर जाते ही ना पानी पिलाएंगे और कुछ खिलाएंगे, एकदम से थक गया है ना, वो नीचे से आया ऐसे ऊपर को, और अभी ये जा ही नहीं रहा। कैसर भाई भी आ गए हैं बैल को लेकर, वो सामने, लेकिन हमारी बेबो कहीं नज़र नहीं आ रही, मुझे लगता है उसे घर ही छोड़ा है। 2 चीज़ें एक बंदा संभाल नहीं सकता ना, अली तो अब है नहीं, तो उसके हिस्से के काम जो है ना, या तो हम नहीं करेंगे, खैर मुझे ही करने पड़ेंगे, लेकिन एक बंदा बैल को अकेली संभाल सकता है, साथ बेबो नहीं आ सकती थी। यार इसको कैसे पकड़ा हुआ है, कैसे खींच के लेके जा रहे हो आराम आराम से। चलो एक बंदा ऐसे करे, ये देखो ऐसे, चलो 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 आराम आराम से, बस ये घर किसी तरीके से पहुँच जाए ना। थका हुआ है और अपने सारे बकरों से अलग भी हो गया, इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ भी है, ये इसे एक दिन लगेगा घर पहुंच के ना, फिर ये ठीक हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ, आओ तुम्हारी मुलाकात कैसर भाई से कराऊं। कैसर भाई आ गया बकरा, बड़ा ज़बरदस्त बकरा जी, पसंद आया है? बड़ा पसंद है। चलो जी ले जाओ इसे, अब इसे घर लेकर जल्दी से जाना है, ये थका हुआ है, इसे खिलाएं मिलाएंगे। इसने सही सब खा लिया, सारा जितना भी हमने इसे डाला है ना, इसने सारा खा लिया माशाल्लाह, देखें इसका पेट फुल हो चुका है, इसको तो घर का पता है, ये तो अब सीधा घर जाएगा। शाबाश, जल्दी से जाओ जाओ, माशाल्लाह हमारी अजवा भी इधर ही है, ले आओ इसे अजवा के पास लेके आओ,
अजवा काफ़ी बड़ी है, इसकी और इसकी हाइट दोनों की तकरीबन सेम है। ओए 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 ओए, पीछे 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 पीछे, ले के नहीं आना। ओए मार रही है, मार रही है, ले जो ले जो ले जो, पीछे पीछे अजवा। मुझे पता है आजकल तुम बड़े ज़ोरों में हो, तुम ऐसे लड़ाई के मूड में होती हो, पीछे हो जाओ। ये देखें मारने के लिए वहाँ तक चली गई और बकरा आ गया आगे। क्या मसला है, इधर इधर मुझे देखो। तो मैं भी एक दो दिन तक मैं घर लेके जाता हूँ, ठीक है ना? फिर घर जाकर अच्छे से लड़ाइयाँ करेगी। पुष्पा तेरा ईद वाले ओए, इसका नाम पुष्पा नहीं है क्या? फिर इसका नाम, इसका नाम अभी हमने रखा ही नहीं है। वो तो कल मजाक में मैंने बोला था पुष्पा और तुमने पुष्पा रख लिया। नहीं है, नहीं है, चलो इसका पुष्पा नाम है। चल चल, पुष्पा नाम, इसका नाम पुष्पा, पुष्पा इसका नाम नहीं है, ऐसा नाम नहीं रखते, इसका हम कोई अच्छा सा नाम रखेंगे। वो ऐसे मैंने मजाक में कह दिया था पुष्पा, तो इसने सुन लिया था कहीं। ले आओ जल्दी से, अभी घर जाने का टाइम हो गया। वेलकम वेलकम है, इसको तो हमने कल ही वेलकम कह दिया। ओ इसको पाँव टकराया, इसे ले जाओ अपनी जगह पर। वो देखें सामने बेबो, आ जाओ इसे भी ले आओ, बेबो के पास सीधा ले कर जाते हैं। शाबाश, आ जाओ। अभी तक ना भाई नहीं आया, तो भाई को पता ही नहीं है कि मैं ये वाले लेकर आया हूँ। भाई किधर है, मीरान किधर है? मीरान नहीं पता। अच्छा आ जाओ फिर, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। चलो जी इसे किसी के पास लेके जाते हैं, इसे लेके जाते हैं सीधा बेबो के पास। चलो जी सीधा, बेबो ने देख लिया। नीचे तो नहीं आएगी ये, तो नहीं टक्कर मारेगी कहीं से? टक्कर तो नहीं मारेगी ना? नहीं। चलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, शाबाश। इकट्ठे बांधते हैं दोनों को, नहीं इसको उधर करते हैं, थोड़ा सा उधर हो जाओ, अभी तक भूख लगी हुई है। हाँ इधर हो गई, खाओ। इसे यहाँ पर बांधते हैं इधर इसके साथ, कहीं ये टक्कर ना मार देना इसको। नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगा, इधर बांध दे, इधर बांध दे। और इसको भी नीचे उतारते हैं। देखो जी तुम्हारे लिए हम एक बकरा ले आए हैं, अब उदास मत होना। बैल को हमने थोड़ा सा इस साइड पे करके बांध दिया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये बिल्कुल छोटे से, कहीं एक लात इनको पड़ गई ना तो इनकी हड्डियाँ तो ऐसे ही टूट जानी है। चारा भी हमने थोड़ा सा इधर कर दिया, काफ़ी ज़्यादा चारा पड़ा हुआ था इधर पहले। क्या बात है आपसे, बकरे का नाम सोच लिया दोनों ने, लेकिन अलग अलग है, दोनों का अलग अलग है। इसका तो पता है ना बकरी का क्या नाम है? बेबो। अब इसका तो बेबो पता है। अच्छा पहले तुम बताओ जी इसका नाम क्या है? बेबी। बेबी सोचा है, मतलब बेबो और बेबी। हाँ बेबी, ये इसको बोला करेगी बेबो बोला करेगी बकरे को, बेबी क्या कर रहे हो है? बकरा कहेगा मैं चारा खा रहा हूँ, ठीक है। तुम बताओ जी बेबा। बेबा आपने जैसा नाम रखा है तुमने, कितना प्यारा खूबसूरत, मुझे पसंद आ गया, आप सबको भी पसंद आएगा। इसका नाम बेबो, इसका बेबा हैं। ये देखने वाले तुम्हें ना आके मारेंगे, मोबाइल से निकल कर तुम्हें थप्पड़ मारेंगे जैसा तुमने नाम रखा है, ठीक है? इस तरह का नाम नहीं रखते, इस तरीके से तो फिर राजा है, राजा के लिए अगर हम फीमेल लाते तो क्या होगा? बाजी। बाजी यार ये देखो कैसे नाम रखते हैं, इसका दिमाग ही नहीं काम करता। अच्छा ठीक है, वो सामने ये बेला, बेला के लिए फिर क्या होगा? बेली। बेली जी। तुम पागल हो, पता लग गया। हमारे बकरे ने खाना शुरू कर दिया, पहले तो इतना ज़्यादा शर्मा रहा था, अभी खाना शुरू कर दिया। बेबो तो खा करना बैठ चुकी है, पानी पी लो जी, उठो। उठना तो इसने है, तुम इधर आओ, पानी एक दफ़ा देख लेना, क्या पता पिएगा कि नहीं, इतने दूर से सफ़र करके आया। पानी पानी कैसर भाई, उन्होंने बोला था कि अगर ये पानी ना पिए ना तो पानी के अंदर थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा इतना सा आटा, ठीक है ना, आटा मिला के फिर इसे पिलाना है तो फिर ये इजीली पानी मतलब पी लेगा, खुशी खुशी पिएगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं पी रहा, अभी खा रहा है। तो हम इसे और चारा डालते हैं, फिर ये और चारा जो है ना, ज़्यादा चारा डालेंगे तो एक दफ़ा अच्छे से खा लेगा, फिर हम इसे सुबह बाकी जानवरों के साथ चारा देंगे। तो आपने बताना है ज़रूर कि आपको हमारा नया वाला बकरा जो है, हो सकता है हम और भी लाएँ, फिलहाल के लिए ये वाला जो लाए हैं ना ये आपको कैसा लगा? बिल्ली सामने इंतज़ार कर रही है कि कब अंधेरा पड़ेगा और कब मैं यहाँ से जाऊँगा, तो ये किसी ना किसी चीज़ को अपना शिकार बनाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कोई छोटा परिंदा ही नहीं, चूजे अपने घर के अंदर बंद है, छोटू गैंग सामने बैठा हुआ है, डायनासोर और ये देखें फ्लेमिंगो है, उसके अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। हाँ ये है, इसको तो शिकार बना नहीं सकती, तो खैर इसको मैं यहाँ से भगा देता हूँ और बाकी जितने भी परिंदे हैं ना उनको भी जल्दी से बंद कर देता हूँ, और फिर उसके फ़ौरन बाद ना मुझे इसको खाना खिलाना है, ठीक है? कल तक ये ठीक थी और आज फिर ये ना थोड़ी सी उठेगी, चलेगी चलेगी खुद से, अब इसने चलना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। तो दो तीन दिन तो लगेंगे क्योंकि पूरे जिस्म से ना इसका पानी ख़त्म हो गया, पानी दोबारा से जिस्म में आएगा, थोड़ी सी जान आएगी तब ये रिकवर होगी और फिर खुद से चलना शुरू कर देगी। तो आज के जो व्लॉग था यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद, अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।